एक भारी भरकम बैग को कंधों पे टांग के आप कितनी देर तक रह सकते हो? शायद एक घंटा या फिर दो घंटे। पर अगर इस बैग के साथ आपको सुबह से रात तक सालों साल तक रहना पड़े तो ये आपको पागलपन सा लग रहा होगा ना, या फिर लग रहा होगा कैसी अजीब सी बीमारी है। मैं ऐसे ही करता था, आप ऐसे ही करते हो, और मैं गारंटी से कह सकता हूं लाखों लोग ऐसे ही करते। फर्क सिर्फ इतना है कि ये भारी बैग हमें नजर नहीं आ रहा। अब ज्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं आपको बताता हूं कि ये भारी बैग कौन सा है। इस भारी बैग में होते हैं हमारे चार दुश्मन, चार ऐसी इमोशंस जिनका बोझ हम अपने कंधों पे लेके चलते हैं, जिसकी वजह से हम खुलकर जी नहीं पाते, खुश नहीं रह पाते, ग्रो नहीं कर पाते, सफल नहीं हो पाते। इस वीडियो में मैं आपको इन चारों दुश्मनों के बारे में बताऊंगा, और सिर्फ बताऊंगा नहीं, साथ में ये भी बताऊंगा कि इन चार इमोशंस के साथ कैसे डील करना है। तो पहला इमोशन जिसका बोझ हम में से बहुत लोग लेके चलते हैं वो है गिल्ट, यानी कि अपराध बोध, खुद को बुरा समझते रहना। ये कब होता है? ये तब होता है जब हमें पता होता है हमने कुछ गलत किया है, हमें क्लियर होता है कि हमसे कोई गलत चीज हुई है, जैसे कि पार्टनर के साथ चीट किया, या फिर कोई कॉम्पिटिशन, कोई गेम जीतने के लिए हमने किसी को धोखा दे दिया, या फिर पेरेंट्स के साथ किसी इंपॉर्टेंट चीज पे झूठ बोल दिया। हमें उस चीज को करने से पहले भी पता होता है कि वो गलत है, बाद में भी पता होता है गलत है, फिर भी उस मोमेंट में हम कर जाते हैं, इसीलिए बाद में खुद के आगे बुरा फील करते रहते हैं। याद रखना कि नो अमाउंट ऑफ गिल्ट कैन चेंज व्हाट यू हैव डन। आप कितना भी बुरा फील कर लो, जो आप कर चुके हो उसको आप नहीं बदल सकते। सो गिल्ट से डील करने का एक ही तरीका है, उसको फेस करना कि हां मुझसे गलत हुआ, हां मैंने गलती करी, लेकिन उसके बारे में बुरा फील करके कुछ नहीं बदलेगा। मुझे उससे सीखना है, मुझे खुद को जज नहीं करना, मुझे उससे सीखना और ये इंश्योर करना है कि ये चीज मैं दोबारा ना करूं। बस मैं इतना ही कर सकता हूं कि इंश्योर करूं कि मैं दोबारा ना करूं। अपने पास्ट में जीने की जगह मैं प्रेजेंट में जीना शुरू करूं, क्योंकि हमारा प्रेजेंट ना सबसे प्रेशियस है, इसीलिए तो उसको प्रेजेंट कहते हैं। तो कोई भी गिल्ट का बोझ अगर आप अपने शोल्डर्स पे लेके चल रहे हो तो उससे रिलीज हो जाओ और अब दूसरे बर्डन को समझते हैं। अब दूसरा इमोशन जिसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान होता है वो है फियर, यानी कि डर। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ डर होते हैं, अलग अलग डर होते हैं। किसी को लोगों के सामने खड़े होकर बोलने में डर लगता है, गुड क्वेश्चन, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को रिस्क लेने में डर लगता है, मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, किसी को बिजनेस करने में डर लगता है। और ये डर की वजह से, इस तरह के फियर्स की वजह से हमारी लाइफ से कितने एक्सपीरियंस निकल जाते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज को हम खो बैठते हैं, कितनी ग्रोथ हमने मिस कर दी, क्योंकि हमें तो हाथ खड़ा करने से ही डर लग रहा था। अगर इस चीज को हम ठीक कर लें तो लाइफ में कितना कुछ मिल जाएगा। और इस चीज को ठीक करने का जो सलूशन है, डर को भगाने का जो सलूशन है, वो है एक्सपोजर, खुद को एक्सपोज करना। जिस चीज में डर लग रहा है उसमें खुद को एक्सपोज करना, शुरू थोड़े एक्सपोजर से होगा, करते करते बढ़ाते जाओगे, आपका डर घटता जाएगा। अगर लोगों के सामने खड़े होकर बोलने में डर लगता है तो कुछ लोगों के सामने खड़े होकर बोलने की हिम्मत करो, दो लोगों के सामने बोलने की हिम्मत करो, थोड़ा करो, खुद को ऐसी सिचुएशंस में डालो, एक्सपोज करो। पानी से डर लगता है तो कम डेप्थ वाले पूल के अंदर जाके पानी का डर खत्म करो। बिजनेस करने से या रिस्क लेने से डर लगता है, थोड़ा रिस्क लो, जिगरा बड़ा करो, खुद को एक्सपोज करो। जितना आप खुद को एक्सपोज करते जाओगे आप देखोगे आपका डर जो है वो घटता जाएगा। और याद रखना कि थिंकिंग विल नॉट स्टॉप फियर, एक्शंस विल। आप कितना भी सोचते रहो मुझे डर का सामना करना है, डर खत्म करना है, सोच ही जा रहे हो, कोई फायदा नहीं, लेकिन थोड़ा एक्शन भी लेते जाते हो ना तो डर खत्म होता जाता है। कमजोर वो नहीं जिसे डर लगता है, कमजोर वो नहीं जिसे डर लगता है, कमजोर तो वो है जो डर से जीतने की कोशिश नहीं कर रहा। अब तीसरा बोझ जो हम सबके कंधों पे है, हम सबको रोकता है, वो है एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। हम जरूरत से ज्यादा होलसेल में थोक के भाव दूसरों से उम्मीदें रखते हैं, खुद से भी उम्मीदें रखते हैं। मैंने उसको मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, उसने मेरी कॉल को रिटर्न नहीं किया, मैं कहां कब इस पोजीशन पे पहुंचूंगा, लोग मेरी केयर नहीं करते, मेरे पार्टनर को मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं, दूसरों को मेरी फिक्र नहीं है, मुझे मेरी मनचाही तारीफ नहीं मिलती, मुझे मेरी मनचाही इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, कोई मेरी बात। अरे भाई कितनी लंबी लिस्ट हमारे दिमाग में चलती रहती है। जब इतनी सारी उम्मीदें रखेंगे तो सारी उम्मीदें तो पूरी नहीं होगी, क्या होगा, बोझ बनेगा, स्ट्रेस होगा, बर्डन होगा। तो एक्सपेक्टेशंस होने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ी एक्सपेक्टेशंस ठीक है,
इसलिए द सोल्यूशन फॉर यू इज बैलेंस। एक बैलेंस होना चाहिए कि मुझे मेरे से खुद से ये उम्मीदें हैं, क्या मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूं, कर सकता हूं तो क्या है मेरा एक्शन प्लान, क्या गोल है, क्या सीखना है, और अगर नहीं कर सकता तो लेट मी एक्सेप्ट इट, जो है उसके लिए शुक्र मनाऊं, एटलीस्ट खुश रहूं। दूसरों से मुझे उम्मीदें हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीदें रख के परेशान होने की जगह जो अच्छा है उसके लिए शुक्र करूं। उसने मुझे कॉल नहीं किया, उसको कॉल करनी चाहिए थी, ये भी याद कर लूं कि उसने बहुत बार कॉल किया है, बहुत बार दोस्ती निभाई है, इस चीज का शुक्र मनाओ। सो बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट एक्सपेक्टेशंस की रखोगे तो परेशान रहोगे, जो आपको बैलेंस्ड एक्सपेक्टेशंस लगे वो रखो और जो मिल रहा है उसके लिए शुक्र करो। अब चौथा बोझ जो मेरी आपकी हर किसी की लाइफ में है वो है रिग्रेट, यानी कि अफसोस। बहुत सारे लोगों को लगता है कि गिल्टी और रिग्रेट एक ही चीज है, ये एक चीज नहीं है। गिल्टी मतलब जब हमें पता है हमने कुछ गलत किया है, करते ही पता है हमने कुछ गलत किया, हम गिल्टी फील करते हैं। रिग्रेट का मतलब है हमें बाद में फील होता है कि काश हमने ऐसा ना किया होता, उस टाइम पे हमें सही लगता है लेकिन कुछ टाइम बाद रियलाइज होता है, उसे कहते हैं रिग्रेट। एग्जांपल देता हूं, क्या आपको लगा ये चैप्टर जरूरी नहीं है, छोड़ो, और वो एग्जाम में आ गया, आपने कहा काश मैंने पढ़ लिया होता, आपने कोई जॉब ऑफर से एक्सेप्ट नहीं करी, आपको लगा नहीं ये रहने देता हूं, या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे टाइम पे शुरू नहीं किया और बाद में आपको लगता है काश मैंने शुरू कर लिया होता। किसी के ऊपर आप गुस्सा हो गया, आपको लग रहा था आप सही हो लेकिन बाद में पता चला कि दूसरे की गलती नहीं थी, क्या बचा, अफसोस, रिग्रेट, काश मैंने उस वक्त उसको समझा होता, उसकी बात को समझने की कोशिश करी होती। देखो ऐसे बहुत से रिग्रेट्स आपकी लाइफ में भी होंगे, मेरी लाइफ में भी होंगे, और मैं ये आपको बता दूं कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता जिसकी लाइफ में अफसोस ना हो, रिग्रेट्स ना हो। रिग्रेट्स हमारी लाइफ का पार्ट हैं, रहेंगे, हमारा हर डिसीजन सही नहीं जाएगा, कुछ डिसीजन तो गलत जाएंगे ही। लाइफ का जो पर्पस है ना वो ये है कि अपने रिग्रेट्स को कम करते जाएं, जीरो नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। कैसे, अपने आप को मैच्योर बनाते जाएं, सीखते जाएं, इस तरह की वीडियोस देखते जाएं, बुक्स पढ़ते जाएं, ताकि हमारी थिंकिंग इंप्रूव होती जाए, हम मेंटली ग्रो करते जाएं, उससे हम हमेशा बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। तब भी कुछ अफसोस जिंदगी में रहेंगे लेकिन यादें ज्यादा होंगी। सो रिग्रेट से डील करने का तरीका उनको एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करो कि रिग्रेट्स रहेंगे, बस मुझे कोशिश करनी है कि इनको जिंदगी में कम करूं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते जाऊं, सही डिसीजंस लेने की कोशिश करता रहूं। सो कंधों पे जो हम बोझ लेके चल रहे हैं, आई होप कि इस वीडियो के साथ वो कम हुआ होगा, अब आप और खुलकर जिंदगी जी पाओगे। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट्स में मुझे एक स्माइल दे देना, क्योंकि इतनी सी है चाहत कि हर चेहरे पे हो मुस्कुराहट। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड आई लव यू ऑल।